नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंघोल, पिरामिड वास्तुकला एस्ट्रोलॉजर। आज हम अहमदाबाद में आए हैं। ये आश्रम रोड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो पार्लर का वास्तु देखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि वास्तु से पहले की एनर्जी क्या है। तो ये अपना नॉर्थ एंट्री है, दी बेस्ट एंट्री है। यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या एनर्जी मिलती है। यहाँ पे हमें 200% एनर्जी मिल रही है। अभी हमने जो डीएनए लिया है वो पॉजिटिव एनर्जी का डीएनए लिया है, तो हमें यहाँ पे पहले क्या एनर्जी मिलती है वो देखते हैं। मेन एंट्रेंस पे हमें यहाँ पे मेन एंट्रेंस पे 200% पॉजिटिविटी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नॉर्थ का एंट्री है, यहाँ पे हमें काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है। यहाँ पे ऑलरेडी हैवी वेट नहीं होना चाहिए और इन्होंने कबोर्ड बना दिया है, तो यहाँ की एनर्जी हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमें ऑल ओवर 20% पॉजिटिविटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कबोर्ड बना दिए गलत है, इनको खाली किया, फिर यहाँ पे 20% एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है। ये है इनका अग्नि कॉर्नर। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे भी हमें ऑल ओवर 20% ही एनर्जी मिल रही है। ये इनका सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट में देखेंगे हम, यहाँ पे भी हमें एनर्जी का जो बैलेंस चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखिए आप, ये पूरा घूम रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी काफी है जो यहाँ पे हमें घूम रहा है पूरा। तो हमें यहाँ पे भी हमें ऑल ओवर कहीं पे भी पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है। देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी नेगेटिविटी है। अब हम चलते हैं नैऋत्य की ओर, साउथ वेस्ट कॉर्नर में। साउथ वेस्ट कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑल ओवर हमें 10 या 20% एनर्जी मिल रही है। और ये सीढ़िया जो है वो वेस्ट में है, जो कि होनी चाहिए वेस्ट में है। तो सीढ़ियों के नीचे हम देखेंगे तो यहां हमें 80% पॉजिटिविटी मिल रही है। और ये इनका है वायव्य कोण। ये इनका वायव्य कोण है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। यहां पे देखेंगे हम, यहां पे एनर्जी बढ़िया है। पूरे सोप में देखेंगे तो नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ही हमें पॉजिटिविटी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ऑल ओवर और जिस जगह पे हमें 200% सब जगह पे पॉजिटिविटी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो हमें यहाँ का एनर्जी लेवल बैलेंसिंग करना है। तो हम इसके बाद के वीडियो में बताएंगे कि ये वास्तु के पहले यहाँ पे एनर्जी क्या है, वो तो आपने वीडियो देखा। अब दूसरा भी हमारा वीडियो देखिए आफ्टर का, तो अभी आपको पता चल गया कि यहाँ पे एनर्जी में क्या बदलाव हुआ है। तो देखते रहे हमारे अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय महादेव। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।